गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम वापस आए अपनी स्कूल ट्रेनिंग करके जो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बनाया था। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है। ये रही हमारी आलू बाटी, मम्मी ने बना के तैयार कर दिए। घी लग गया ना उसके ऊपर। हमारे अंडे उबल के तैयार हैं। ये लीक हो गया यार एक तो, लेकिन ओहो चिपक ही गया। आई थिंक थोड़ा सा हो सकता है क्रैक होगा अंदर से। एंड हमारे पास पॉलिथिन नहीं है फेंकने के लिए अंडे के छिलकों में, वो छील के मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ एज जुगाड़। ऑलराइट, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। अब हमें इन छिलकों की एक पोटली बनानी है ऐसे, और इसको हम पूरा फोल्ड करके वो जो डस्टबिन है उधर डिस्पोज कर देंगे। एक टिशू और सेफ्टी के लिए। तो गाइज, आज हमारा लंच फाइनली ऑन टाइम हो रहा है। 1:30 यूजली ऐसे 3:30 बज जाते हैं, कभी कभी 4 भी बज जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जल्दी उठने। जब आप 6 बजे उठते हो, 6:30 बजे उठते हो, आपका आगे वाला दिन काफ़ी ऑर्गेनाइज जाता है। आपके मील्स भी काफ़ी स्पेस्ड आउट होते हैं। वी विल गो टू जिम लगभग 4:15 के आसपास। एंड आज हमारा वही क्वाड फोकस्ड इंटेंस लेग सेशन होने वाला है जिसमें बैंड बजेगी मेरी। कल रात को सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद मिली। पता नहीं क्या हो रहा है, जिस दिन जल्दी बेड पर सोने जाता हूँ उस दिन नींद नहीं आती है। ऑलराइट गाइस, टाइम फॉर आवर मील नंबर 2। प्रोटीन ओट्स का बोल, 80 ग्राम प्रोटीन ओट्स मसल्स वाले, 180 ml डबल टोन या टोन मिल्क, 32 ग्राम वे प्रोटीन पाउडर, 140 ग्राम 150 ग्राम इसमें अनार भर के डाल दिया आज तो मैंने, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, लिटिल बिट ऑफ चिया सीड्स, मसल बेस के 2 चम्मच नेचुरल पीनट बटर। एक मैंने गिव अवे किया था इंस्टाग्राम पे, अगर आपको जो मेरे को लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं मैंने ये फोटो देखी होगी। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दीज गिव अवेज, डू ड्रॉप मी अ फॉलो इंस्टाग्राम, बिकॉज आई थिंक वील बी डूइंग इट एवरी अदर मंथ ऑल्सो। उसका जो विनर है उसको हम पैकेज भिजवा रहे हैं। उसका जो विनर का आंसर था, बिकॉज मैंने लिखा था बेस्ट कैप्शन विंस दिस वे प्रोटीन बॉक्स, तो उसका भी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो पर्सनली मेरे को काफ़ी फनी लगा वो, एंड काफ़ी दुख दर्द पीड़ा से जा रहे हैं ये हमारे भाई, तो ये डिजर्व करते हैं वे प्रोटीन जीतना। तो उनका भी आई थिंक अभी मेरे को बॉक्स जाके शिप करवाना है। तो ऐसे थोड़े और छोटे छोटे काम हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एक सील्ड नया वे प्रोटीन का डब्बा है, ये चोको सिनेमन फ्लेवर 2 kg, एंड इसे मैंने अभी पर्सनली साइन भी कर दिया। ऑल द बेस्ट फॉर आवर गिव अवे विनर। तो आपका पैकेट जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा कुछ ही दिनों में, मैं इसे जाके अभी शिप कर दूंगा। और गाइज, ऐसे गिव अवे हम करते रहेंगे थोड़े टाइम के बाद। जस्ट कीप ऑन एंगेजिंग विद द कॉन्टेंट, कीप ऑन गिविंग मी द फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड अप्रिशिएट इट, आई वुड डू माई बिट टू गिव यू गाइज बैक एंड जस्ट हेल्प यू आउट इन योर फिटनेस जर्नी। देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है हमारी डेटोना 675, लेकिन अगर पास से देखेंगे तो मिट्टी आ गई है इसके ऊपर। ये देखो क्यों, यहाँ पे तोड़फोड़ चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखिए बुलडोजर एकदम साथ में निकलते हैं, एंड जो सारी मिट्टी है पीछे से, जहाँ से भी पता नहीं कहाँ से भी आ रही है, सारी उड़ के बाइक के ऊपर लग रही है। उसे रोज़ मैं आराम से माइक्रो फाइबर क्लॉथ से साफ़ करता हूँ, इसे मैं चद्दर से भी ढक के रखता हूँ तो भी मिट्टी आ जाती है। देखो आप सीट के ऊपर, यार सुबह बाइक ले तो लेते हैं लोग लेकिन मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ रोज़ साफ़ करने की। कल भी साफ़ कंडीशन में थी, भी कल मैं इसका वॉश करवा के लाया था लेकिन आते ही हो गया काम। इसको मैं रोज़ चद्दर से ढक के रखता हूँ, एक लंबी सी चद्दर है नीचे तक आया थी, तो उससे मोस्ट ऑफ द डस्ट प्रोटेक्टेड रहती है। तब भी पता नहीं कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत उड़े उठ के चली जाती है। तो गाइस, ये एक स्पेशल बॉक्स है जिसका मैं वेट कर रहा था अनबॉक्स करने का काफ़ी टाइम से। एंड इफ यू वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच मेरे भाई फॉर दिस लवली बॉक्स। वाओ, इट इज़ एज व्हाट आई एक्सपेक्टेड, द बिलीफ क्लोदिंग विंटर कलेक्शन। एंड आप देख सकते हो यार बहुत प्रीमियम पैकेजिंग है। वाओ, एंड ऑल दीज पर्सनलाइज नोट्स। हमारे पास है ये बिलीव वाला मग, आई केम, आई बिलीव्ड, आई कॉन्कर्ड, एंड दिस इज़ द बिलीव हुडी। ओ भाई, सबसे बेस्ट, क्या तरीके से प्रिंट किया भाई, नोटबुक का जैसे वो नहीं था फटा हुआ। परितोष मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली हुडी। ये आज हमारा लेग डे है जो कि हमारी ये वाली आउटफिट हुडी है, तो कल हम ये ट्रेनिंग सेशन में पहन के जाने वाले हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल दिस राइट नाउ। लाइक लास्ट वीक फर्स्ट एक्सरसाइज स्मिथ एस स्क्वाट फर्स्ट सेट, 8 reps विल बी द गोल। लास्ट वीक वी डिड 100 से किया था हमने 8 rep, जिसमें काफ़ी RPE 9.5 चला गया था मेरा। तो अभी हम बढ़ा रहे हैं 2.5 kg, विच मेक्स इट 100 से 105। नाउ इधर 1.25 kg की प्लेट है, अगर मेरे को 105 ज़्यादा हैवी लगा तो आई विल ड्रॉप इट डाउन टू 102.5, बिकॉज 1.25 का भी इंक्रीमेंट रहेगा। एंड यही फंड रहता है यार अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड में, कि सिर्फ 5-5 या 10-10 किलो के इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, इवन दी स्मॉल माइक्रो इंक्रीमेंट्स एड अप टू अ लॉस। हो सकता है इस हफ्ते मेरा 1.25 होगा, अगले हफ्ते भी 1.25 होगा, रायर देन मैं 5 kg का 10 kg का जंप चेस करूँ एंड आई कीप फेलिंग। सो दी स्मॉल इंक्रीमेंट्स कैन एक्चुअली एड अप टू अ लॉट इन योर प्रोग्रेस। एंड बिफोर यू
एस्टिमेट आप 120 कर रहे होगे रेप्स के लिए धीरे धीरे ऐसे बढ़ा के. सो टेक योर टाइम, बी पेशेंट विद द फिटनेस जर्नी, बी पेशेंट विद इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ. लेट्स गो. ओ फक, ऐसी फील हो रहा है. To win it again, I let the energy in, then I can maneuver. You should be witnessing this. I gotta win it again. I'm on an energy kick. I gotta maneuver. Godspeed, I let a challenger rally up. I'm on a mission to turn it up. Sharpen the blade, I get it done. Don't get the energy crossed up. Hate on the vision, they lost us. Wanted the best and they called one. I am really feeling awesome. Are you ready? Wanted the pressure, I never complain. Shake it off, figure back in the game. Pay the cost. Oh. तो 7 आई 8 की जगह, विच मीन्स आई थिंक वी विल स्टिक टू दिस वेट. होपफुली अगले सेट में आई विल बी मोर मेंटली प्रिपेयर्ड, बट कोई नहीं विल गेट इट. मूव अराउंड, नाउ दे रेडी फॉर वॉर, दे रेडी फॉर चेंज. हेड डाउन, गॉट टू स्टे इन योर लेन. कीप कॉम व्हेन द एनर्जी चेंज. ऑन अ डाइम, गॉट टू स्टॉप मैनूवर. या are we giving it all or nothing? See the people are ready for something. Get the vision, I'm doing it justice. I got out of the dark to keep it light. You can let the city make a judgment. Program malfunction. आर पी 9.5 गया भाई. थर्ड सेट ड्रॉप सेट, 30% में ड्रॉप करेंगे हम. तो 105 का 30% लगभग 72.5 ट्राई दिया. न्यू हेडफोन्स, सुनो सुनो, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, गंदे हो जाएंगे. अरे रॉकी का गाना चल रहा है यार अंदर. अच्छा पक्का? हाँ भाई, शिवेन नए हेडफोन्स लेके आया है, जानते ही हो आप लोग पिछले ब्लॉग. पसीना पसीना हो गया हमारा गाइस. थर्ड सेट विच इज द क्वाड डेमोलिशर, 30% वेट कम करके हमें 20 रेप मारने हैं. सो 105 का 30% कम करके आया था 73.5. तो 73.5 तो नहीं हो पाया बिकॉज हमें 500 ग्राम की प्लेट नहीं है यहाँ पे. तो ये 1.25 केजी की प्लेट है. जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, मिनिमल प्रोग्रेसिव ओवरलोड, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. तो धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा. वी स्टार्टेड एट 65, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके हम आ गए 72.5 तक. धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते रहेंगे. जो हमारा फिर एक जो वर्किंग सेट था 8 रेप वाला, वो थोड़ा टाइम बाद जाके 20 रेप का हो जाएगा. तो ये गोल है, इस सेट में फटने वाली है भाई सीरियसली. लाइक इसके लिए मेरे को काफ़ी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है बिकॉज बाय द एंड ऑफ द सेट, एज यू सॉ इन माय लास्ट वीक्स वीडियो, आई एम लाइंग ऑन द फ्लोर. मौत वाला सेट है ये मेरा. I tore it down, then I jumped ship. Yeah, witness the power of this. I'm about to win it again. I let the energy in, then I can maneuver. You should be witnessing this. I gotta win it again. I'm on an energy kick. I gotta maneuver. Witness the power of this. I'm about to win it again. I let the energy in, then I can maneuver. You should be witnessing this. I gotta win it again. I'm on an energy kick. I gotta maneuver. Look, I'm ready to eat. I'm ready to feast. You woke up the beast. I'm picking my 20. Oh, fuck. New PR for reps. Feel the muscle. Muscle focus. Yes. Own the range. Grip as hard as you need to. Drive. बहुत बढ़िया शिवेन. चल एक और मार. अपनी बैक को दबा पैड के अंदर. एंड ड्राइव. दैट्स इट. रैकेट. Good set. I'm heading to sleep, I stay in control, can never delete. Jump on the space, I shifted the key. If I could escape, I'm ready to leave. Never a pause or break. I lock on your cap, be ready to freeze. I'm at the top of the board, I'm printing the screen, the pressure release. You against me, man, what a relief. The easiest thing I achieve. तो ये वो ट्रेनिंग लॉग है जिसके बारे में बता रहा था आपको. आई थिंक अपने पुश वर्कआउट में मैं हर सेशन लॉग कर रहा हूँ, एवरी वीक, एवरी सेट एंड एवरी रेप, आरपी काउंट के साथ ट्रैकिंग एवरी सिंगल एस्पेक्ट. एंड इस हफ्ते हमारा डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है. एंड जो ये वाली एक्सरसाइज विच इज हाई डबल स्टेप ऑफ लंच, स्टार्ट पहले हफ्ते 8 से किया था, दूसरे हफ्ते 10 से. बट वो 10 से इतना कंट्रोल नहीं था, काफी ज्यादा मोमेंटम हो रहा था नीचे. तो इफ आई वॉन्ट टू बिल्ड मोर कंट्रोल और इफ आई वॉन्ट टू प्रोग्रेस, दिस इज ऑल्सो वन इंडिकेशन दैट यू मेड प्रोग्रेस बाय कंट्रोलिंग योर टेम्पो. तो बस स्टार्टिंग में काफी ज्यादा ये जो बॉटम रेंज होती है, दिस इज वेरी टफ, विच इज स्पेशली यूनिलैटरली जब सिंगल लेग ट्रेन कर रहे हो. उस पर्पज से इफ यू रनिंग, यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर, तो दिस इज हेल्पिंग मी बिल्ड स्ट्रेंथ इन दैट एंड रेंज ऑफ मोशन. यहाँ पे यू डोंट वॉन्ट कि आप इस लेग से पुश करके, तो आप ऑब्वियसली काफी ज्यादा असिस्टेंस मिल रहा है आपको अपनी जो पीछे ले लेंगे. सो यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट. आप नीचे आए, हल्का से टैप योर टो, डोंट पुश इट लाइक दिस, जस्ट लिफ्ट इट एंड
प्रेस विद दिस लेग। तो अगली एक्सरसाइज जो हमारी होने वाली है दैट इज बी स्टांस स्प्लिट स्क्वाट। जो नॉर्मल लंज होता है वो यूजली इतना वाइड रहता है, तो अपन इसे काफी पास लेंगे, ऑलमोस्ट अपनी फ्रंट हील के लेग के पास, मतलब आपका जो टो रहेगा थोड़ा साइड को। काफी ज्यादा क्वाड फोकस्ड ये स्प्लिट स्क्वाट्स होने वाले हैं, बट यू हैव मैनेज टू प्रोग्रेस फ्रॉम 2024 टू 36 केजीज नाउ। एंड कंसिडरिंग हाउ आवर अभी तक वर्कआउट हैज गॉन, मेरे इनिशियल 2-3 वीक्स में मेरी इतनी बैंड बस्ती थी कि ओवर एस चाहिए रहता था मेरे को, तो आई फील यू कैन से इन अ मच बेटर पोजिशन जहाँ पे आई हैव प्रोग्रेस्ड ऑल्सो। बट ऑल्सो ये भी हालत नहीं हुई कि मेरी ऐसे फुक चुका हूँ, लाइक मेरी मेंटल स्टेट ऐसे एकदम डिप्राइव्ड और डिप्लीटेड हो चुकी है, तो वेरी स्टिल इन द जोन इन द ग्रूव एंड रेडी टू पुश। तो ओवर एस की जरूरत नहीं पड़ी भाई लोग इस बार, बट फिर भी हम पी लेंगे बाद में एक। Achieve. It's really a breeze, it's really a sneeze, I'm really the chief, running the system, never a breach, you might have missed it, never in reach, I need a list, who better than me, that was a joke, I'm slapping my knee, I'm on a mission, sailing the seas, keeping it heat, like packet of tea, I'm really far, as your eyes can see, I planted seeds and the trees believe, your team really need a peace treaty, unlock, never needed a key, it's a maneuver. दूसरा सेट हम 30 सेकंड के ब्रेक के बाद मारेंगे, अभी मार के फायदा नहीं है बिकॉज हार्ट रेट ऊपर हो रखा है, आई एम वेरी ब्रेथलेस, तो आई वुड रादर डू इट विद अ 30-35 सेकंड ब्रेक जब मैं दूसरी लेग का कर रहा हूँ, बट गेट मोर क्वालिटी मोर कंट्रोल रेप्स। Are we giving it all or nothing? See the people are ready for something. Get the vision, I'm doing it justice. I got out of the dark to keep it light. You can let the city make a judgment. Program malfunction. I tore it down, then I closed it. Yeah. Fuck. Good set. RP10 छठे रैप तक आते आते ऐसे लग रहा था कि दो ही और होंगे, तो उसके बाद वन रैप मोर वाली मेंटालिटी होती, लाइक जस्ट वन रैप एट अ टाइम। फिर दिमाग में ये रहता है कि यार 6 और कंप्लीट करने हैं, अलग प्रेशर फील होता है, पहले 6 में इतना फटीग हो गया कैसे निकलेंगे, तो जस्ट टू ब्लॉक दैट नॉइज आउट, जोन इन, फोकस ऑन दैट जस्ट वन रैप अहेड ऑफ यू, गेट योर ब्रेथ इन कंट्रोल एंड जितना क्वालिटी हो सकता है वो रैप मारो, ड्राइव इट, पुश इट, before you know it you'll reach the finish line. It's really a breeze, it's really a sneeze, I'm really the chief, running the system, never a breach, you might have missed it, never in reach, I need a list, who better than me, that was a joke, I'm slapping my knee, I'm on a mission, sailing the seas, keeping it heat, like packet of tea, I'm really far, as your eyes can see, I planted seeds, and the trees believe, your team really need a peace treaty, unlock, never needed a key, it's a maneuver. Are we giving it all or nothing? See the people are ready for something. Get the vision, I'm doing it justice. I got out of the dark to keep it light. You can let the city make a judgment. Up to you, ORS. Up to ORS. When you go one more round, even when you know, even when you think to yourself that you can't, that's what makes all the difference in the world. Wise words by Rocky Balboa. Also guys, सबसे important tip जो आपके gains को sky rocket कर देगी, अपना weight re-rack करो. That will secure your gains. The beast, I'm picking my teeth and heading to sleep. I stay in control, can never delete. Jump on the space, I shifted the key. If I could escape, I'm ready to leave. Never a pause or break. I lock on your cap, be ready to freeze. I'm at the top of the board, I'm printing the screen. The pressure release. Second set will be heavy but controlled. So last week, we got 121.25. Uske baad jo agla weight hai, that is 125, which is full stack. So today, we will attempt for 8 reps. The third set, the weight will drop again. Because उसमें टोटल 24 रेप करने हैं। I'm ready to leave, never a pause or break. I lock on your cap, be ready to freeze. I'm at the top of the board, I'm printing the screen, the pressure release. You against me, man, what a relief. The easiest thing I achieve is really a breeze, it's really a sneeze. I'm really the chief, running the system, never a breach. You might have missed it, never in reach. I need a list, who better than me? That was a joke, I'm slapping my knee. I'm on a mission, sailing the seas, keeping it heat like packet of tea. I'm really far, as your eyes can see. I planted seeds and the trees believe your team really. You need a peace treaty. Unlock, never needed a key. It's a maneuver. Are we giving it all or nothing? See the people are ready for something. Get the vision, I'm doing it justice. I got out of the dark to keep it light. You can let the city make a judgment. Program malfunction. I tore it down, then I jumped ship. Yeah. Oh, fuck. We're done with our leg session. Or quad, काफी ज़्यादा हमारी सोर है,
जैसे कि आप देख सकते हो पोस्ट लेग डे फील्स हैशटैग ओ माय क्वाड। ये रहा हमारा पोस्ट वर्कआउट शेक, के बाद हम ओआरएस पिएंगे तो जाके थोड़ी ठंडक मिलेगी। नीचे केमिस्ट की शॉप है जहाँ से हमने पिछली बार लिया था। एनीवेज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट करना, आप अगली वीडियो क्या देखना चाहते हो। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक ऑन दिस वीडियोज सो दैट आई कैन इंप्रूव एज अ कंटेंट क्रिएटर। काफी और तगड़ा कंटेंट आने वाले आगे यार, तो ऐसी सपोर्ट करते रहो। कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियोज, टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन बेल। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।